छत्तीसगढ़ के कोरिया में ठेकेदारों की मनमानी जारी है। यहां धड़ल्ले से रेत का उत्खनन हो रहा है। आपको बता दें कि ग्राम हरचौका में बहने वाली मवई नदी के किनारे प्रसिद्ध सीतामढ़ी है, जहां भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुए थे, और इस स्थान को पर्यटन के रूप में राज्य सरकार के द्वारा तेजी से विकसित किया जा रहा है। अब जिस तरह मवई में स्थित सीतामढ़ी को सरकार पर्यटन स्थल बना रही है, तो दूसरी ओर उसी नदी पर खनन करने के लिए लीज दे रहा है। इसके पहले सीतामढ़ी के मवई नदी में रेत के उत्खनन का लीज दिया गया था, लेकिन जब हरचौका में प्रसिद्ध सीतामढ़ी को राज्य सरकार ने रामपथ गमन के रूप में पर्यटक स्थल के लिए विकसित करने का निर्णय लिया, तब वहां पर किसी भी प्रकार के उत्खनन करने से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन सीतामढ़ी स्थित मवई नदी में एक बार फिर तेजी से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। ऐसे में शासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। जिले के भरतपुर विकास खंड में पूर्व समय से नियम कायदों को ताक पर रखकर रेत निकाली जा रही है, लेकिन जिस प्रकार नदी को ही बांध कर रेत ठेकेदार बड़ी पोकलेन मशीनें लगाकर रेत निकाल रहे हैं, उसे रहते यदि कठोरता से नहीं रोका गया तो फिर नदियों के साथ प्रसिद्ध सीतामढ़ी का अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। हैरत वाली बात तो यह है कि रेत ठेकेदार मनमाने तरीके से रेत निकाल रहे हैं, लेकिन रेत ठेकेदार की मनमानी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे रोजाना भारी राजस्व की क्षति हो रही है। भरतपुर के इलाके में नदी का चौड़ा पाट होने के कारण यहाँ काफी रेत है। यही वजह है कि इन इलाकों में लंबे समय से संबंधित विभागों की मिली भगत से हरचौका के मवई नदी से रेत उत्खनन जारी है। हैरत वाली बात तो ये है कि जब हमने इस बारे में भरतपुर के तहसीलदार से बात की तो उनका कहना है कि उन्हें 5 हेक्टेयर का पट्टा शासन से दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन रेत ठेकेदारों को मनमानी करने पर कार्रवाई कौन करेगा? रेत ठेकेदार सिर्फ नदी से रेत निकालने का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहां तो नदी को बांध कर उसके प्रवाह की दिशा को ही बदल दिया गया है। इसे आसानी से समझा जा सकता है कि इस पूरे कारोबार में लगे रेत माफियाओं की पहुंच कहां तक है, जो नदी को बांधने और उसकी प्रवाह की दिशा को बदलने का हौसला रखते हैं। इस मामले में विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। वही ग्रामीण जनों का कहना है कि जिस तरह से दिन रात रेत का खनन हो रहा है, उससे जल स्तर में गिरावट आई है। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट दिख रही है। कांग्रेस सरकार वहां पे राम गमन पथ के लिए पर्यटन घोषणा की है, पर्यटक स्थान का पूरी तरह से वहीं पर जेसीबी से तमाम रेत उत्खनन किया जा रहा है, और इस पर शासन प्रशासन पूरा तरह से मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो स्थान पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है। वर्तमान सरकार वहाँ पर पूरी तरह से रेत का उत्खनन कर रही है, अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, रेत का तमाम ठेका बंद हो चुका है, लेकिन पुराना बोर्ड लगा करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, और उसमें भाजपा वालों की भी मिली भगत है, दोनों पार्टियां सीधा सीधा हमारे खनिज संपदाओं का दोहन कर रहे हैं। इस पर रोक लगाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।